देखो बच्चों एक और क्वेश्चन है, साइन थीटा साइन पाई बाई थ्री प्लस थीटा साइन पाई बाई थ्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 1/4 साइन थ्री थीटा। अब मैंने LHS जो लिखा है, और यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंटली कभी कभी तीन टर्म होती है तो क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं बच्चों के, हमारा काम आसान हो जाता है। तीन में से एक भी वैल्यू नॉन वैल्यू नहीं है। मान लो हम लोग थीटा को एक फिक्स नंबर मानते हैं, तो थीटा को पाई बाई थ्री में ऐड करेंगे और थीटा को पाई बाई थ्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर तीन टर्म है, तीनों में से एक भी वैल्यू नॉन वैल्यू नहीं है, तो अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रेटेस्ट विथ लोएस्ट नंबर। तो अगर थीटा को सेंट्रलाइज करके बात करेंगे तो पाई बाई थ्री प्लस थीटा ग्रेटेस्ट हो जाएगा और पाई बाई थ्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, आपका लोएस्ट नंबर। तो फिर इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूँ तो साइन थीटा इज एज इट इज, और मैं एक ब्रैकेट लगा के लिखूंगा साइन पाई बाई थ्री प्लस थीटा इन टू साइन पाई बाई थ्री माइनस थीटा। मैंने यहाँ पे क्या कोशिश की कि थीटा को एक सेंट्रलाइज कर दिया है, तो पाई बाई थ्री प्लस थीटा और पाई बाई थ्री माइनस थीटा, अगर इसकी कंपैरिजन होगी तो पाई बाई थ्री प्लस थीटा जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा इन तीनों में, और पाई बाई थ्री माइनस थीटा इन तीनों में कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। तो अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रेटेस्ट वेट स्मॉलेस्ट। अब बच्चों मान लो वापिस में वही काम आपसे करने जा रहा हूँ कि पाई बाई थ्री प्लस थीटा पाई बाई थ्री प्लस थीटा ये नंबर को अगर हम लोग x मान लेते हैं और पाई बाई थ्री माइनस थीटा ये नंबर को हम लोग क्या मान लेते हैं भाई, तो पाई बाई थ्री प्लस थीटा को x मानेंगे और पाई बाई थ्री माइनस थीटा को मैं क्या मान लेता हूँ भाई। तो अगर इसके चलते मैं आपसे बात करूंगा तो ये मेरी जो टर्म निकल के आएगी वो साइन x इंटू क्या हो जाएगी, साइन y। अब बच्चों मिसिंग क्या है यहाँ पे, टू, क्योंकि फॉर्मूला में टू साइन x इंटू साइन y है, तो डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू। अब जो आप लोग समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ कि मैंने डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, क्योंकि पाई बाय थ्री प्लस थीटा एक्स है, पाई बाय थ्री माइनस थीटा वाई है, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई, आगे फॉर्मूला के लिए टू चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइडेड बाय टू। अब मैं बोलूंगा आगे बढ़ने के लिए तो टू साइन एक्स इंटू साइन वाई, जो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई। अब आगे बढ़ने के लिए एक और स्टेप आएगा, योर कॉस इज एज इट इज बट एक्स इक्वल्स टू, एक्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास आएगी पाई बाई थ्री प्लस थीटा, और वाई की वैल्यू जो है वो पाई बाई थ्री माइनस क्या होगी, थीटा। अब माइनस करके मैं वापिस लिखूंगा, कॉस ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, पाई बाई थ्री प्लस थीटा, और वाई की जो वैल्यू है वो पाई बाई थ्री माइनस थीटा, और मैं ब्रैकेट को अभी मैं बंद कर रहा हूँ, तो समथिंग लाइक दिस वे। अब हाफ इंटू साइन थीटा, अब कॉस ऑफ पाई बाई थ्री प्लस थीटा माइनस डालो माइनस पाई बाई थ्री प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई थ्री प्लस थीटा पाई बाई थ्री माइनस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे जो कैंसिल होने जा रहा है वो क्या हो रहा है, पाई बाई थ्री, और यहाँ पे कैंसिल होगा थीटा थीटा। तो अब मेरे पास जो नंबर निकल के आ रहा है वो, तो थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टू थीटा, थीटा प्लस थीटा क्या होगा, टू थीटा। और मेरी बात सुनो कि मैं जो यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ समथिंग लाइक दैट वे, यहाँ पे जो आपका जो ब्रैकेट आएगा वो करली ब्रैकेट होगा, क्योंकि उसके रिगार्डिंग हमने आगे की बात की है, तो ये करली ब्रैकेट होगा। अब थीटा प्लस थीटा टू थीटा, और यहाँ पे थीटा कैंसल है, तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो पाई बाई थ्री प्लस फाइव बाई थ्री, अगर थ्री एलसीएम लेते तो कॉस ऑफ टू पाई बाई थ्री। अब बच्चो आगे बढ़ने से पहले एक बार और मेरे को मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा, तो हाफ इंटू साइन थीटा कॉस ऑफ टू थीटा, हाफ साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ टू पाई बाई थ्री। अब नॉर्मली आगे बढ़ने के लिए मैं क्या ट्राई करने वाला हूँ, तो कॉस टू थीटा जो है, मतलब टू थीटा इज ग्रेटर देन थीटा, तो कॉस टू थीटा को आगे लिखो और साइन थीटा को पीछे। और मोर इम्पोर्टेंटली बच्चो मैं आपको ये कॉस टू पाई बाई थ्री की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ, वो कैसे, तो 2 पाई बाई थ्री है ना सबसे पहले, तो 2 पाई बाई थ्री का जो रेडियन टू डिग्री मेजर होगा वो कितना होगा, तो 180 अपॉन पाई।
अगर ये भी दिमाग में रखो कि डिग्री टू रेडियन जाना है तो पाई अपॉन 180, तो रेडियन टू डिग्री 180 अपॉन पाई, तो 2 पाई बाय 3 की जो वैल्यू आएगी ये 60 से जाएगा, तो वो जो वैल्यू आएगी वो 120। तो कॉस 2 पाई बाय 3 दैट इज सेम एज कॉस 120। अब कॉस 2 पाई बाय 3 कॉस 120 वो मतलब 120 कौन सा नंबर है, ऑब्ट्यूज है, तो उसको एक्यूट में निकालने के लिए मैं लिखूंगा 180 माइनस 60 कॉस 2 पाई बाय 3, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला है कि कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। तो कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3 उसकी वैल्यू निकल के आएगी माइनस ऑफ हाफ, कॉस 2 पाई बाय 3 उसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या होगी, माइनस ऑफ हाफ। अब कॉस 2 पाई बाय 3 की वैल्यू निकल के आएगी माइनस ऑफ हाफ। अब बच्चों मेरी बात सुनो, एक बार फिर से 2 पाई बाय 3 कैन बी रिटर्न एज 180, मतलब 2 पाई बाय 3 को मैंने रेडियन टू कहां पे कन्वर्ट किया है, डिग्री में। तो मैंने उसके लिए मतलब अगर ये भी दिमाग में रखो कि अगर नंबर जो आपके पास आ रहा है डिग्री टू रेडियन जाना है तो पाई अपॉन 180 से, अगर रेडियन टू डिग्री जाना है तो 180 अपॉन पाई, तो 2 पाई बाय 3 का जो रेडियन मेजरमेंट है उसको डिग्री क्या निकाला, 120। अब मेरी बात सुनो, कॉस 2 पाई बाय 3 इट इज सेम एज कॉस 120, कॉस 120 जो है उसको सर ने मतलब ऑब्ट्यूज नंबर था 120, उसको एक्यूट के लिए 180 माइनस 60। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी फॉर्मूला आपको दिखाया है कि कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स वो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और डिराइव भी करके दिखाए, तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली। तो ये 180 मीन्स पाई और 60x, तो cos 180 माइनस x क्या होगा, माइनस cos x, तो cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू निकल के क्या आएगी, माइनस हाफ। तो बच्चों एक बार एक ये चीज देख लो, फिर मैं आगे बढ़ने की ट्राई करूंगा। ओके, अब मैं यहां पे cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू में लगाने जा रहा हूँ, वो वैल्यू कितनी होगी, sin थीटा, और cos 2 पाई बाय 3 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो माइनस ऑफ हाफ। अब बच्चों ये चीज अगर आपके पास क्लियर है तो मैं आगे बढ़ने के लिए एक और कोशिश करूंगा, जैसे कि मैं इसको रब कर रहा हूँ जो मैंने प्रीवियस एक्सप्लेनेशन दिया था वो। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मेरी बात सुनो, 1/2, अब यहाँ पे भी जो फॉर्मूला है, मान लो एक बार सर फिर से लिख देते हैं, तो कॉस ऑफ 2 थीटा, अब आगे बढ़ने के लिए साइन थीटा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आप लोग समझ रहे हो, माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ क्या हो जाएगा, प्लस। अब बच्चों यहाँ पे 2 थीटा जो आपका निकल के आ रहा है, आपका जो 2 थीटा निकल के आ रहा है वो क्या है, एक्स, और जो थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, वाई। तो 2 cos x, सॉरी cos x into sin y, मिसिंग क्या है यहाँ पे, cos x into sin y, मिसिंग क्या है यहाँ पे, 2, तो देखो divided by 2, multiply by 2, और ये जो टर्म है वो as it is रहेगी। अब मेरी बात सुनो कि 2, ये नंबर को x मानो और ये नंबर को y मानो, तो 2 cos x into sin y, इसका जो फॉर्मूला होगा वो sin x plus y, माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस वाई। बच्चों आपके केस में एक्स जो है वो 2 थीटा है और वाई क्या है, थीटा, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये नंबर जो आ रहा है वो साइन 3 थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा 1/4 साइन थीटा। अब 1/4 को मल्टीप्लाई करो तो 1/4 साइन 3 थीटा माइनस 1/4 साइन थीटा प्लस 1/4 साइन थीटा। अब मैं ऐसा बोलूंगा कि माइनस प्लस 1/4 साइन थीटा को हटा दो, तो अब निकल के मेरे पास जो आ रहा है वो एक ही टर्म है, 1/4 साइन 3 थीटा, एंड दैट इज सेम एज योर आरएचएस। देखो बच्चों मैं एक बार इसका रिवीजन दे रहा हूँ खुल के, तो वो एक बार आप लोग देख लो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने जो शुरुआत की थी वो शुरुआत यहाँ से हुई थी कि प्रूव दैट साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस थीटा
into sin pi by 3 minus theta equals to 1 by 4 sin 3 theta. सबसे पहले मैंने LHS लिखा है, अब मेरी बात सुनो। थीटा को अगर हम लोग एक सेंट्रलाइज नंबर लेके चले तो पाई बाई थ्री प्लस थीटा एंड पाई बाई थ्री माइनस थीटा। इसमें ग्रेटेस्ट नंबर होगा पाई बाई थ्री प्लस थीटा और तीनों में स्मॉलेस्ट होगा पाई बाई थ्री माइनस थीटा। तो अरेंजमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट विथ स्मॉलेस्ट, पाई बाई थ्री प्लस थीटा को एक्स मान लिया और पाई बाई थ्री माइनस थीटा को क्या मान लिया है, वाई। तो साइन एक्स इंटू क्या होगा, साइन वाई। अब साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला के लिए मिसिंग क्या है, टू। तो मल्टीप्लाई बाई टू डिवाइडेड बाई टू, टू साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसका जो फॉर्मूला निकलेगा वो कॉस एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई। सर ने यहाँ पे एक्स की वैल्यू लगाई और ये वाई की, सेम थिंग एक्स और वाई की। पाई बाई माइनस साइन डाला तो यहाँ पे पाई बाई थ्री कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे थीटा प्लस थीटा टू थीटा और यहाँ पे थीटा कैंसिल टू पाई बाई थ्री। यहाँ पे सर ने क्या किया है, हाफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हाफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद, हाफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो टर्म आ रही है वो ये है। तो कॉस टू पाई बाई थ्री की वैल्यू जो मैंने निकाली थी वो कुछ ऐसे निकाली थी कि टू पाई बाई थ्री जो रेडियन था उसको डिग्री में कन्वर्ट किया। टू पाई बाई थ्री रेडियन टू डिग्री क्या होगा, 120। 120 ऑब्ट्यूस था तो 180 माइनस 60 लिखा गया, समझ रहे हो। और कॉस 180 माइनस 60 कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स। एक बार सर फिर से ये एक्सप्लेनेशन दिखा रहे हैं कि कॉस ऑफ टू पाई बाई थ्री इट इज सेम एज कॉस 120। 120 क्या है, ऑब्ट्यूस है। तो एक्यूट के लिए मैंने बार बार इसको दिखाया है, ये नंबर को एक्स, सॉरी ये नंबर को पाई मानो और ये नंबर को एक्स मानो। तो cos pi माइनस एक्स क्या रहता है, माइनस ऑफ cos x, और cos x की वैल्यू हाफ, आई एम सॉरी cos 60, मतलब हमारे केस में x इक्वल्स टू 60 और cos 60 की वैल्यू क्या होगी, हाफ। तो अल्टीमेट cos 2 pi by 3 की वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ। 2 pi by 3 इक्वल्स टू 120, 120 को ऑब्ट्यूस से एक्यूट में 180 माइनस 60 cos pi माइनस x माइनस cos x, x इक्वल टू 60, cos 60 की वैल्यू हाफ, आगे माइनस की साइन। तो वो cos 2 pi by 3 की वैल्यू माइनस हाफ लगाई गई है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 2 theta, comparatively theta greater होगा, तो cos 2 theta को आगे लिया, sin theta को पीछे। मान लो इसको हटा देते तो cos x into sin